हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पीवीआर स्टडी। चलिए आज हम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज जीएस का जो क्वेश्चन होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और कंपलसरी होता है कि आपको हर ही एग्जाम में जीएस जरूर पूछता है। तो कुछ करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं आपको केवल 10 क्वेश्चन ही बताऊंगी, बट 10 क्वेश्चन के साथ विद एक्सप्लेन करके बताऊंगी और उसके साथ साथ उसके जुड़े बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेगी। तो आपके कुल 20-30 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारे स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। जैसा कि आप फर्स्ट क्वेश्चन हमारा देख रहे हैं फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में भारत के अलावा 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है और किस देशों में 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जो स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को इंडिया में, उसके अलावा और किस देशों में मनाया जाता है। तो चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो एक तो हमारा हो गया कोरिया, ठीक है, उसके अलावा भी बहुत सारे देश हैं। पहले मैं आपको कुछ इंडिया के बारे में बता दे रही हूँ। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि भारत को स्वतंत्र दिवस आज, मतलब कि 72वां स्वतंत्र दिवस मनाया जा रहा है हमारे देश में 1947 में, जब हमारा देश आजाद हुआ था अंग्रेजों से छुटकारा पाकर। तो 72 साल हो गए हैं और इसलिए आज हमारा देश पूर्ण रूप से आजाद होकर 72वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है। तो उसके अलावा कुछ ऐसे भी देश हैं जिसके बारे में आपको जानना है। तो जैसा कि आपको मैंने बता दिया है कोरिया, ठीक है। सेकंड मैं आपको बता रही हूँ कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, ठीक है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य जो है वो 15 अगस्त 1960 को फ्रेंच औपनिवेशिक शासकों से आजादी मिली थी और इसी बात से उन्होंने 15 अगस्त को कांगो गणराज्य अपना 18वां स्वतंत्र दिवस मनाने लगे थे, ठीक है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स, कोरिया, जैसा कि आपको मैंने बताया था, कोरिया भी ऐसा देश है जहां पे 15 अगस्त को ही स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो जो कोरिया है वो दक्षिण कोरिया ने 15 अगस्त 1945 को जापान से वो स्वतंत्र दिवस स्वतंत्र पाया था, जापान के वो कब्जे में था, जब वो जापान से स्वतंत्र पाया था तो 15 अगस्त 1948 को सरकार उसकी बनी और देश के आधिकारिक तौर पर वो डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ठीक है, मतलब कि डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया नाम दिया। और उसके साथ साथ 15 अगस्त 1948 को दक्षिण कोरिया के पहले राष्ट्रपति सिंगमैन री चुने गए थे और 15 अगस्त को ग्वांग बुके जोल के रूप में राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया गया था, तभी से वहां पर 15 अगस्त को स्वतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। चलिए आगे बात करते हैं। जैसा कि लिंटेनस्टीन, ठीक है, लिंटेनस्टीन जो थे, जो देश था वहां पे 1866 ईस्वी में जर्मन शासन से आजादी मिल गई थी उन्हें और 1940 के बाद वो 15 अगस्त को यहाँ स्वतंत्र दिवस मनाना शुरू कर दिए थे। लेकिन 15 अगस्त के दिन यहाँ कैथोलिक लोगों को राजकुमार के महल में मुफ्त पानी और सैंडविच भी दिए जाते थे, ठीक है। स्वतंत्र दिवस के दिन उन्होंने इतना अच्छा उपकार, मतलब कि लोगों को दिया। उसके साथ साथ बहरीन, बहरीन कुछ यूनिक देश है, ठीक है, जैसा कि इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स मैं आपको दूंगी। देखिए, बहरीन में 1971 में, ठीक है फ्रेंड, सॉरी 1971 में ब्रिटिश से आजादी मिली थी उन्हें और वो 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश संरक्षक बनने से पहले अरब और पुर्तगाल सहित बहरीन द्वीप समूह पर विभिन्न संस्थाओं का शासन था। लेकिन वो 15 अगस्त को बहरीन ने ब्रिटों से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी, लेकिन इस दिन यह स्वतंत्र दिवस नहीं बनाया था। वहां पे 15 अगस्त को वो अपने देशों को, मतलब कि अपने देश को आजाद तो करवा ली थी, लेकिन उस दिन वो स्वतंत्र दिवस नहीं बनाई, उसने 16 दिसंबर को बनाया। क्यों? क्योंकि 16 दिसंबर राष्ट्रीय दिवस मनाता है और इसी दिन पूर्व शासक ईसा बिन सलमान अल खलीफा सिंहासन ग्रहण किए थे, इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय अवकाश किया। ओके, दूसरा चीज, अब आपका एक नया क्वेश्चन आता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसा कौन सा देश है जो आज तक किसी का गुलाम नहीं बना फ्रेंड्स? तो वो नेपाल है। नेपाल जो है वो आज तक किसी का भी गुलाम नहीं बना, लेकिन नेपाल की कुछ और भी खासियत है, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में फ्रेंड्स।
जैसा कि आप जानते हैं, आपने सुना भी होगा कि नेपाल ऐसा एक देश है जो जब वो उप महाद्वीप अंग्रेजों का जब गुलाम रहा करता था, तो उन दिनों भी नेपाल किसी का गुलाम नहीं था, वो स्वतंत्र था, पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। और यहाँ तक कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट मतलब हिमालय का अधिकांश आधा हिस्सा जो है वो नेपाल में ही आता है, उसके साथ साथ वो भारत के सरजमी से देखते हुए या सोचते रहते हैं कि भारत का ही हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग ऐसा सोचते हैं, आधा सच है लेकिन पूर्ण रूप से सच्चाई ये है कि माउंट एवरेस्ट के साथ साथ हिमालय का अधिकांश हिस्सा नेपाल में ही आता है, ठीक है। तो नेपाल वाकई में बहुत ही यूनिक देश है, क्योंकि भाई आधा माउंट एवरेस्ट तो नेपाल के हिस्से में ही आता है। ओके, चलिए आगे बात आपको बता दें। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए कि नेपाल महात्मा बुद्ध का जन्म स्थली है। ओके, मतलब कि नेपाल में ही महात्मा बुद्ध जी जन्म लिए थे। और ऐसा आपने हमेशा बुकों में देखा होगा, पढ़ा होगा, महात्मा बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, और यह लुम्बिनी नामक स्थान नेपाल का ही एक हिस्सा है। तो वाकई में फ्रेंड्स, नेपाल तो बहुत यूनिक देश है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन लेकर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में कुल कितने देश हैं। तो विश्व में फ्रेंड्स 195 देश है, ठीक है, टोटल 195 देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है, तो अल मालिबिया इराक, ठीक है, अल मालिबिया इराक सबसे बड़ी विश्व की मस्जिद है। जैसा कि आपको दिखा दें कि जो ये सबसे बड़ी मस्जिद, ठीक है, कुछ इस तरीके से दिखती है, और बहुत ही फेमस और बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल मस्जिद है, ठीक है। और इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहूंगी, जैसा कि आपको बता दूं कि जो ये मस्जिद है, ठीक है, यहाँ पे बहुत लोग जाते हैं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत दिखती है कि जैसा कि आपके दिल्ली में ताजमहल, लोग उसे देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग जाते हैं, उसी तरीके से ये मस्जिद को भी देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं, और इसकी जानकारी मैं आपको किसी और वीडियो में फुल जानकारी आपको दूंगी। तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। तो आप गैस कर लीजिए फ्रेंड्स कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो सकता है। मैं आपको कुछ टाइम दे रही हूँ, अगर आप गेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने लोगों का आंसर सही था। तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर था प्रशांत महासागर। ओके, प्रशांत महासागर जो था वो विश्व का सबसे बड़ा महासागर था, और इसकी कुछ मैं आपको करेक्टर्स बता दे रही हूँ, उनके लक्षण बता दे रही हूँ, ठीक है। वो जो मतलब कि प्रशांत महासागर थे वो त्रिभुजाकार होते हैं, और महासागर अमेरिका और एशिया को अलग कर देता है। जो प्रशांत महासागर है वो एशिया और अमेरिका को अलग कर देता है, और इस महासागर के पश्चिम में एशिया तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित है। ओके फ्रेंड्स, उसके साथ साथ पूर्वी में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, और दक्षिण में अटलांटिक महाद्वीप है। तो ये प्रशांत महासागर के इतने सारे बीच में देश पड़ते हैं। उसके बाद आपको एक चीज और बता दूं, इसकी खासियत कि इस महाद्वीप की बेसिन के अधिकांश भागों की गहराई जो है वो 7,300 मीटर है, प्लस महाद्वीप, ये महाद्वीप में अधिक से 20,000 से अधिक द्वीप हैं। और उसके साथ साथ प्रशांत महासागर का उत्तरी भाग सबसे गहरा है, और जिसकी गहराई लगभग 5,000 से 6,000 मीटर तक है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यह महासागर कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच में मतलब कि मध्य में आता है। तो प्रशांत महासागर के मैं आपको कुछ बारे में बता दी हूँ, ठीक है। तो इससे जुड़ी बहुत सारी जानकारियां मैं आपको इसी तरीके से देती रहूंगी। आगे बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आने जा रहा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को बहुत ही देखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए धमाकेदार इसलिए है क्योंकि जो इसमें दबाव है, इसमें मतलब कि डिप्रेशन है, वो बहुत ही मजेदार भी है और बहुत ही सोचने वाली बात भी है। तो देखते हैं क्या है। कह रहा है कि विश्व में सबसे कठोर कानून वाला देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको बता दें कि सऊदी अरब,
सऊदी अरब में बहुत ही ज्यादा मतलब कि दबाव है, हर एक चीज पर प्रेशर है कि हमें ये नहीं करना है, हमें वो नहीं करना है। तो चलिए जान लेते हैं कि कैसे। सबसे पहले इसे आप वीडियो सॉरी पिक्चर को देखकर एक चीज तो जान लिए होंगे कि वहां पर जो गर्ल्स होती हैं, लड़कियां होती हैं, उन्हें केवल अपनी आंखें खोलने के अलावा बाकी कुछ भी मतलब कि सारे चीजें उनके ढके रहते हैं, सिर्फ उनको उनकी आंखें दिखती है, वो भी इसलिए क्योंकि उन्हें देख सके, सीधे चल सके, ठीक है। बाकी वो हमेशा बाहर निकलने के लिए इनको ऐसे निकलना पड़ता है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को मतलब कि सिर्फ पिक्चर को देखकर एक चीज तो जान गए होंगे कि कितना कड़क शासन है, ओके। उसके साथ साथ आपको बता दें कि सऊदी अरब में मौत की सजा देने वाले मुल्कों के नंबर 4 पर आते हैं, और यहां पर इतनी भीड़ होती है कि उनके बीच में ही व्यक्ति का गला काट कर मौत की सजा दी जाती है। वहां पर फांसी वाला काम नहीं होता है, वहां पर डायरेक्टली सबके सामने उनका गला काट दिया जाता है। उसके साथ साथ फ्रेंड्स आप जान लीजिए कि सऊदी अरब दुनिया का एकमात्र एक ऐसा देश है जहां महिलाओं को बैंक अकाउंट खोलने के लिए भी अपने पति से परमिशन लेनी पड़ती है, उनके बिना इजाजत के वो अकाउंट नहीं खोल सकती। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि महिलाएं जहाज तो उड़ा सकती हैं, जहाज चला सकती हैं, ठीक है, लेकिन उन्हें गाड़ी चलाने मतलब कि कार चलाने की परमिशन नहीं दी गई है। पूरे देश में महिलाओं को कार ड्राइविंग पर पाबंदी कर दी गई है। तो सोचिए फ्रेंड्स कितना ज्यादा उन पे दबाव डाला जा रहा है। उसके साथ साथ अगर सऊदी अरब में कोई चोरी करता है और अगर वो बाई चांस कभी पकड़ गया तो उसे पब्लिक उसका हाथ सबके सामने तुरंत काट देती है, इसलिए सऊदी अरब में कोई भी चोरी नहीं होती है। तो सऊदी अरब में बहुत ही कड़क शासन है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत ही अच्छा है। जैसा कि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी दीवार है गेट वॉल ऑफ चाइना, जो चीन की दीवार जिसे कहा जाता है वो विश्व की सबसे बड़ी दीवार है, जो कुछ इस तरीके से है फ्रेंड के पिक को देखने से, ठीक है, फोटो देखने से तो बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि दिख रहा है ये बहुत ही लंबी और बहुत ही अच्छी दीवार होगी। इसकी भी कुछ खासियत है, ठीक है, चलिए इसके बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। ये जो गेट वॉल ऑफ चाइना है वो 7,000 लुक आउट टावर निगरानी के लिए बने हुए थे। उसके साथ साथ फ्रेंड्स दीवार के बीच में महात्मा गांधी के मंदिर और युद्ध के देवता के मंदिर भी बनाए गए हैं। और उसके साथ साथ एक चीज और जान लीजिए कि गेट वॉल ऑफ चाइना का निर्माण दौरान व्हील बारो का आविष्कार किया गया था, और यह पृथ्वी पर बनी सबसे लंबी दीवार है। एंड गेट ऑफ इंडिया चाइना की जो लंबाई है वो भू मध्य रेखा के आधे के बराबर है, और पुराने समय में कहा जाता था कि वो 220 BC मतलब ईंटों को आपस में जोड़ने के लिए चिपचिपे चावल का उपयोग किया गया था। मतलब कि पहले इतना जोड़ने के लिए इतनी सारी चीजें नहीं आती थी तो वो चावल के चिपचिपे पदार्थों का यूज किए थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि गेट वॉल ऑफ चाइना को मापने में 18 महीना लग गए थे उस दीवार को नापने के लिए, इतनी बड़ी दीवार है वो। चलिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि विश्व में सबसे अधिक वेतन किस राष्ट्रपति को मिलता है। तो विश्व में सबसे अधिक वेतन अमेरिका के राष्ट्रपति को मिलता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जी थे और उनको सबसे अधिक वेतन मिलता है। तो चलिए मैं आपको इनके बारे में भी बता दे रही हूँ। तो जो डोनाल्ड ट्रंप जी हैं, जिन्होंने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ 20 जनवरी 2017 को ग्रहण की थी, और इन्होंने अमेरिका के 44वें राष्ट्रपति बराक ओबामा के बाद यह पद ग्रहण किया है। साथ में डोनाल्ड ट्रंप का पूरा नाम जान लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं कि डोनाल्ड जॉन ट्रंप इनका पूरा नाम था। इनका जन्म 14 जून 1946 को अमेरिका की न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था, और इनके पिताजी का नाम फ्रेड ट्रंप था, ठीक है, और इनकी माताजी का नाम था फ्रेंड्स मारियन एनी था। मारियन एनी इनके माताजी का मतलब मदर्स का नाम था। तो इतना मैंने आपको बता दिया। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा कौन सा देश है जहां के डॉक टिकट पर उस देश का नाम नहीं लिखा जाता।
जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी किसी को लेटर देना हो या फिर ठीक है जैसे कि आप किसी को लेटर भेज रहे हैं तो उस देश का नाम ना उस गांव का नाम जरूर लिख देते हैं कि कहाँ से लेटर जा रहा है और कहाँ पे जाएगा। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां पर डाक टिकट पर उस देश का नाम नहीं लिखा जाता जहां से हमें टिकट सॉरी लेटर भेजना हो। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मैंने आपको 10 क्वेश्चन बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि जो जानकारी है वाकई में बहुत ही अच्छी जानकारी है, क्योंकि इसके बारे में हमें जानना बहुत जरूरी था। और देखा जाए तो आप अगर ध्यान से इस वीडियो को देखोगे तो इससे जुड़े हुए आपको 20-30 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे और इसी तरीके से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की कहानी जानते हो तो आप क्वेश्चन कभी भी भूलोगे नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट के लिए, आज के लिए बाय।